केंचुए में एक्सक्रीशन। केंचुए में जिन फालतू मादों ने जिस्म से खारिज होना होता है उनमें फालतू पानी, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अहम है। इन केंचुए के जिस्म में फिलेरिया की नस्बत ज्यादा नमोयाफ्ता सिस्टम मौजूद होता है। इसमें एक्सक्रीशन नेफ्रेटिया के जरिए होती है। नेफ्रेटिया एक्सक्रीशन के लिए मखसूस नालियाँ हैं जो जिस्म के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मरबूत होती हैं। नेफ्रेटिया से एक सुराख खुलता है जिसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं। नेफ्रोस्टोम बॉडी कैविटी में खुलता है जहाँ से बॉडी फ्लूइड नेफ्रोस्टोम के जरिए नेफ्रेटिया में आता है और नेफ्रोस्टोम के इर्द गिर्द कुछ कैपिलरीज होती हैं जिनसे कुछ ज़रूरी मादे दोबारा कैपिलरीज में जब्त कर लिए जाते हैं और फालतू बचने वाला मवाद ब्लैडर में जखीरा कर लिया जाता है और इसे नेफ्रेडियम पोर से बाहर निकाल लिया जाता है।